आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के तत्वावधान में पैकरा मऊ स्थित कार्यालय के पास संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार शुक्ला उपस्थित रहे। एसोसिएशन ने आज अपने कार्यालय का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान शपथ ग्रहण, आई कार्ड व प्रशस्ति पत्र का वितरण भी हुआ। बतौर मुख्य अतिथि श्री शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय के अनुसार अब संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। नौकरशाही प्रथा के चलते भ्रष्टाचार हो रहा है, घूसखोरी हो रही है, इन सबको देखते हुए संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। यह बातें आज संविधान दिवस के अवसर पर पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार शुक्ला ने कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, इसके लिए भी एक आयोग या संगठन बनाने की आवश्यकता है। मुकदमों का फैसला जल्द होना चाहिए और देश में बच्चों की शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएस तोमर ने कहा कि विश्व के सभी संविधानों से अच्छे सूत्र लेकर हमारा संविधान बना है। पहले संविधान में 10 वर्ष के लिए आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन अभी तक आरक्षण की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायाधीश आरके रस्तोगी व मंच संचालन हसन नकवी ने किया। इस अवसर पर जमालुद्दीन बेग, कल्लू नेता प्रभाकर सिंह, प्रियंका चौधरी, राजकुमार गौतम, मोहम्मद मोइन, शांति यादव, मोहम्मद नदीर, डॉक्टर मनु सिंह चौहान सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। न्यूज़ लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। संविधान में आपने बताया कि कुछ समीक्षा की आवश्यकता है, सर कुछ विस्तार से। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने देश के संचालन के लिए एक संविधान का निर्माण किया था और उसे लागू किया था। अब लगभग 75 साल हो गए हैं देश के संविधान को लागू हुए, तो ऐसी स्थिति में फिर से बुद्धिजीवियों द्वारा, देश के संचालकों द्वारा ये समीक्षा होनी ही चाहिए कि और क्या संशोधन, परिवर्धन और सुधार अपने संविधान में किया जाए, जिससे वो आम जनता की उम्मीदों, उनकी ज़रूरतों पर खरा उतर सके और साथ ही जो वर्तमान समय की समस्याएं भारतीय मानव समाज की हैं, जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको और अच्छी तरह से दूर किया जा सके, इसके लिए क्या क्या परिवर्तन संशोधन आवश्यक हैं, इसके बारे में सामाजिक जीवन में चर्चा होनी चाहिए। विशेष रूप से जो वर्तमान समय में देश की एकता को और मजबूत करने, सभी जातियों धर्मों को साथ लेकर एकीकृत करके मजबूत भारत राष्ट्र का निर्माण करने की चुनौती है, साथ ही तमाम अभी भी जो गरीबी की स्थिति में रह रहे लोग हैं उनको और अधिक रोजगार परक शिक्षा देने, उनको सबको आत्मनिर्भर बनाने जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लागू करने, साथ में देश की न्याय व्यवस्था को और त्वरित और सस्ती बनाने के बारे में और प्रभावी बनाने के बारे में, देश में जो भ्रष्टाचार की समस्या हुई है उसको पूरी तरह से समाप्त करने, नियंत्रित करने के बारे में क्या क्या और संशोधनों की आवश्यकता है, इसके बारे में देश के बुद्धिजीवियों से विचार करके ये समस्या हल की जानी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि जो राजनीति में लोग आते हैं, अनपढ़, गंवार, अपराधी टाइप के लोग चुनाव लड़ लेते हैं, तो ऐसी भी कुछ प्रावधान होना चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा वर्ग का ही व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकार?
जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय ऐसी व्यवस्था करना बहुत कठिन था, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो देश में पढ़े लिखे और उच्च शिक्षा प्राप्त थे। अब इन बातों पर अगर विचार करके कोई निर्णय लिया जाएगा सारे समाज के बहुमत द्वारा कि कैसे ज्ञानी अनुभवी समाज के लिए समर्पण करने वाले ईमानदार लोग राजनीति में आए, नेतृत्व करें और देश को और अच्छा बनाने के लिए मिलजुल करके कोशिश करें, तो स्वाभाविक है कि देश का विकास और अच्छी तरह से होगा। तो ऐसे संविधान संशोधन स्वभाव का सभी लोग स्वागत करेंगे। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।